नमस्कार, आवाज 24 न्यूज की चुनावी यात्रा में आपका स्वागत है। ये चुनावी यात्रा का अंतिम दौर है। बिहार विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण के प्रचार का जो है आज अंतिम दौर है। आज 5 बजे उन हेलीकॉप्टरों की शोर थम गई, उन रैलियों की शोर थम गई और उन नेताओं के रोड शो का जो दौरा है उसका सिलसिला भी थम गया। नेता और पार्टी अपने अपने वायदों को लेकर जनता के बीच गए और सभी वायदों को लेकर के जनता से उन्होंने अपील की उन्हें वोट देने की। अब बिहार का 2 चरण का चुनाव हो चुका है और 3रे चरण का मतदान 7 तारीख के सुबह शुरू हो जाएगा। आज 5 तारीख के शाम में हम पूर्णिया के अरनसा चौक पर खड़े हैं और पूर्णिया सदर विधानसभा सीट की जो है लोगों का जो है जनता का मिजाज लेने के लिए आए हैं कि चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद अब मात्र एक ही दिन बचा है मतदान में और पूर्णिया सदर के लोगों का क्या है चुनावी मिजाज। आज अरनसा चौक से हम कुछ आम जनता के बीच आए हैं ये जानने के लिए कि किस तरह का चुनाव का जो है मिजाज रहेगा। यहाँ पर कई तरह के आम जनता हैं और आइए हम जो है फॉलो करते हैं उनको। यहाँ पर छोटी छोटी दुकानें भी हैं, ये रूपानी सिनेमा हॉल है और यहाँ पर लोगों का जो है भीड़ है। चलिए हम लोगों का चुनाव मिजाज जानते हैं किस तरह का चुनावी मिजाज है। सर बतलाएं, बाजार में हम आज घूमने के लिए इसलिए आए हैं कि चुनाव का जो है प्रचार का अंतिम चरण समाप्त हो चुका है, एक दिन मात्र मतदान के रह गए हैं। पूर्णिया सदर की बात करें तो किस तरह का चुनावी मिजाज है? सबसे पहले तो लाइक अभी के हिसाब से जो युवा है यहाँ के वो लोग ज़्यादा जागरूक हैं, मतलब ज़्यादा फोकस्ड हैं मोस्टली कि अभी पहली बार ऑलरेडी वोट देने का मौका मिल रहा है। और लाइक अभी बिहार में जैसा सिचुएशन चल रहा है ना पिछले 15 या 30 साल बोल दीजिए, तो उस बेसिस पे अगर देखा जाए तो चेंज चाहिए, उसी पे बेसिकली मोर फोकस्ड है लोग। तो चुनाव के बारे में तो अभी तक मेरा भी यही रहा है कि मैं भी वही चाहता हूँ कि कम से कम जहाँ से उठ के मैं बाहर गया हूँ और फिर से अभी लॉकडाउन के लिए वापस आना पड़ा है यहाँ, तो उस सिचुएशन में मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ पे भी अपॉर्चुनिटीज है बट उसको क्रिएट करने वाले लोग नहीं है। क्या परिवर्तन की लहर इस बार दिख रही है? मोस्टली हाँ, 90% तो चांसेस है परिवर्तन लग रहा है। आइए, कुछ युवक भी हैं यहाँ पर, कॉफी शॉप है और लस्सी लोग पी रहे हैं, आम जनता है। आप वोट देंगे इस बार? जी हाँ देंगे। वोटर हैं, बतलाएं कि प्रचार खत्म हो चुका है चुनाव का, हम जनता का मिजाज जानने आए हैं, आप युवक हैं, आपका क्या कहना है इस चुनाव पर, किस तरह का नजरिया रखते हैं? मैं तो एक्चुअली यहाँ का नहीं हूँ, आउट ऑफ टाउन हूँ, तो यहाँ का मत मैं नहीं जानता हूँ क्या है, लेकिन हम लोग के तरफ बीजेपी जीत रही है। तारकेश्वर प्रसाद जो है कटिहार के, कहाँ के रहने वाले हैं? मैं कटिहार का हूँ। क्या हवा है वहाँ पर? वहाँ पे बीजेपी का ही है लगभग, और टक्कर में है राम प्रकाश महतो। ये आप भी कटिहार? जी बिल्कुल सर। सी हवा है? सर हमारा जो विकास 15 सालों में हुआ है वो विकास कायम रहे, हम बस इतना चाहते हैं, हमें 15 साल पीछे वापस नहीं मुड़ना है, इसलिए जो चल रहा है हमारे नीतीश सर जो कर रहे हैं वो हमारे लिए काफ़ी है। ये कटिहार के युवक हैं, अचानक मिल गए पूर्णिया में, हालांकि बगल का ही जिला है। इनका कहना है कि जो अभी जदयू या नीतीश कुमार या एनडीए की जो विकास की जो हवा है वो कटिहार के लिए ये पसंद अभी फिलहाल कर रहे हैं। और भी कुछ युवक हैं, आप सर बतलाएं कि चुनाव का जो है अंतिम चरण का जो है दौर है उसका प्रचार का शोर थम चुका है, 7 तारीख को मतदान है पूर्णिया में, किस तरह की विचारधारा रखते हैं अब बिहार की नई राजनीति में, क्या सोचना है आप? सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत, हम लोग पूर्णिया इंटेलेक्चुअल एसोसिएशन ग्रुप से हैं। क्या नाम हुआ आपका? पूर्णिया इंटेलेक्चुअल एसोसिएशन ग्रुप से। आपका नाम? आनंद मिश्रा। और हमारे ग्रुप में लगभग 1000 से ज़्यादा सदस्य हैं जो मोस्टली पूर्णिया से रहने वाले हैं, लेकिन वो लोग बाहर अपने जॉब के सिलसिले में रहते हैं, उनका दिल जो है हर समय पूर्णिया के लिए है, पूर्णिया विकास के लिए है। तो अभी हमारे साथ 4-5 लोग हैं हमारी कोर कमेटी से, मोस्टली यदि आप पूर्णिया के विकास को लेकर के बात करें तो यस, ये पहला चुनाव होगा पिछले 15 साल 20 साल जो भी कहते हैं कि अब लोग रोजगार के लिए इस बार जो रोजगार का मुद्दा है ये बहुत बड़ा मुद्दा है इस चुनाव के विकास में। जो हमारी एसोसिएशन जो ग्रुप है, हमारी जो मांगे हैं छोटी छोटी मांगे हैं हमारे यहाँ के प्रतिनिधि से, जो भी जीत के आएंगे वो अपना जो है उसका दिमाग उसका दिल हर चीज़ें विकास को लेकर के हों। जैसे पूर्णिया एयरपोर्ट का मुद्दा हम लोगों ने ट्विटर ट्रेंडिंग करवाया, 15,000-20,000 से ज़्यादा ट्वीट्स करवाए, इसको लेकर के मुद्दा हर समय, जब तक जनता जागरूक नहीं होगी तब तक विकास नहीं हो सकता। और जनता जागरूक सोशल मीडिया पे और ग्राउंड लेवल पे दोनों पे ही ये
कायम रहनी चाहिए। आपने युवाओं का एक ग्रुप बनाया है और इस बार क्या ये नया चीज है जो कि नेताओं से आप हिसाब मांगने का एक काम कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हमारी जो ग्रुप है वो उस ग्रुप में सारे इंटेलेक्चुअल्स हैं। इंटेलेक्चुअल्स आप कह सकते हैं बुद्धिजीवी ऐसे जो कि पढ़े लिखे तो हैं, साथ साथ उनके अंदर ऐसा जज्बा है जो अपने अपने मातृभूमि से अपने जहाँ जो जहाँ से रिलेटेड है वहाँ से वो ऐसे सवाल पूछ सकें। हमारा पूर्णिया बहुत खूबसूरत शहर है, 1770 इतनी साल 250 साल पुराने हो चुके। यहाँ के प्रतिनिधि चाहते तो पूर्णिया कहाँ से कहाँ चला जाता, बट ऐसा नहीं हो पाया। तो ऐसे नहीं हो पाया तो इसके कारण क्या है, हमारी आम जनता जब तक हम सवाल नहीं पूछेंगे अपने प्रतिनिधि से तब तक ऐसी प्रॉब्लम्स होगी, इसलिए जनता का जागरूक होना बहुत जरूरी। जागरूक होना एक तरफ है, इस बार चुनावी जो आपका जो मिजाज चल रहा है बिहार में, विशेषकर पूर्णिया की बात करें, परसों मतदान है, किस तरह का बिहार देख रहे हैं? जनता इस बार जागरूक है, 70-30 हम कह सकते हैं, बदलाव जरूरी है और ऐसे लोगों को वोट दें, जरूरी नहीं है पार्टी के ऊपर वोट दें, जो जहां से हैं। जैसे मैं पूर्णिया सदर से हूं, यहां के कैंडिडेट को देखें कि वो कैंडिडेट कैसे हैं, यदि कैंडिडेट अच्छा है तो कैंडिडेट के नाम पे वोट करें, ना कि पार्टी के नाम पे, क्योंकि हमें बात कैंडिडेट से रखनी है, तब वो जाकर के सदन में संसद में जाके अपनी बातें रखेंगे। तो आप प्रत्याशी पे भरोसा करना चाहेंगे? जी हाँ जी हाँ। यहाँ के युवक हैं, हालांकि बाहर काम करते हैं, और युवाओं का एक संगठन बनाया है जिसमें इन लोगों ने कुछ जो है यहाँ के मुद्दे, विकास के मुद्दे, वो जीतने के बाद प्रत्याशी को वो देंगे और उनसे ये वादे लेंगे कि उन वादों को जो चुनाव के टाइम में उन्होंने किया था वो पूरा करें। आप सर पूर्णिया के निवासी हैं, चुनावी बयार चल रहा है, परसों मतदान है पूर्णिया में, किस तरह का माहौल देख रहे हैं? क्या नाम हुआ? हाँ, मेरा नाम रवि रंजन हुआ, और काफ़ी लोग इस बार चुनाव में बहुत एक्टिवली एक्टिव है इस बार वोट देने के लिए। मैं तो स्टार्ट यहाँ से कहूँगा कि हम सबको मतदान करना चाहिए। सर, 5 साल में एक ऐसा अवसर आता है, ये बड़ा महापर्व है जहाँ मतदान दें। अगर आप चाहो तो थोड़ी पीछे चलते, 2008 में डॉक्टर CP जोशी हुआ करते थे कांग्रेस अध्यक्ष राजस्थान में, 2008 विधानसभा में चुनाव में वो सिर्फ एक मत से हार गए थे अपना विधानसभा अपना, और जो कि CM कैंडिडेट थे। तो कहने का एक एक मत कितना जरूरी होता, तो सबसे पहले मैं सबसे अपील करूंगा आवाज़ 24 माध्यम से वोट करें। अब वोट जहां आप जो भी आपका विधानसभा में जरूर वोट करें, वोट अपने लोकल लेवल को देख के करें। वोट ये नहीं करें कि भारत में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, आपका वो मुद्दा नहीं देखने वाला है, लोकल मुद्दे पे करें। जैसे कि मैं दिखाना चाहूँगा कि हम सब इंटेलेक्चुअल ग्रुप, जो हमारे मित्र आनंद बता रहे थे, ये मैं आपके माध्यम से ये दिखाना चाहूँगा, हमने अपनी डिमांड रखी है, जितने जनप्रतिनिधि है जो चुनाव में रेस में, अपनी डिमांड रखी है, छोटा छोटा, जैसे ट्रैफिक लाइट हो, आई लव पूर्णिया का साइन बोर्ड हो, और इन जैसे जैसे हमने छोटा मांग रखी, और सबसे हमने साइन करके लिया है, और काफ़ी मुश्किल होता था उनसे समय लेने में। ये क्या आप युवाओं का एक नया प्रचलन है जो इस चुनाव के बाद आप लोग ऐसा चाहते हैं कि प्रत्याशी उस चीज़ को देखे और फोकस करे सीरियसली? क्या है ना सर, कई लोगों का ये अपडेट आपको जीतने के बाद उनको देना चाहिए, तो मेरा कहना है जीतने का बात तो वो ऐसे भी नहीं सुनेंगे, तो 4-5 साल तो घुमाते रहेंगे यहाँ चल रहा है। मैं पहले करके साइन करके उनसे इसलिए ले रहा हूँ कि उन्हें याद रहे कि चुनाव से पहले आपने क्या वादा किया था, आपने लिखित दिया था, साइन करके दिया था। छोटी छोटी डिमांड है एयरपोर्ट के बारे में है कि जब देखिए दरभंगा एयरपोर्ट हो गया, और दरभंगा एयरपोर्ट में वहाँ के नागरिक का बड़ा साथ और बहुत बड़ा सहयोग रहा। हम अपनी आवाज़ अगर हम उठाएंगे तब हमारे रिप्रेजेंटेटिव देखेंगे, तब हमारा ब्यूरोक्रेसी भी काम करेगा। तो हम सबकी जिम्मेदारी है, हम मतदान देने के बाद 5 साल क्वारंटाइन नहीं होना है, हमें मतदान देने के बाद अपनी आज फिर से उनको दिखाना है। मैं दिखाना चाहूंगा कि हमारे मित्र जो अभी आपके साथ इंटरेक्ट, वो कोरिया से आए हुए हैं, और कोरिया से जॉब के बाद यहाँ कोविड में है तो लॉकडाउन में, वो अपना वोट देना चाहेंगे। मेरे साथ में एक और थे जिससे मेरी बात हो रही थी, वो फर्स्ट टाइम वो वोट दे रहे हैं और लोगों को जागृत कर रहे हैं सोशल मीडिया की तरफ से। तो मेरा कहना है कि हमारी भी जिम्मेदारी है लोगों को पहले वोट कराएं और अच्छे लोगों को चुनकर सदन में पहुंचाएं, तो हमारी बात और आपकी बात पहुंचा सकते। पूर्णिया के ये युवा हैं, वर्क भी करते हैं, बाहर भी रहते हैं, पूर्णिया पर भी नजर रखते हैं, लेकिन इस बार एक नई जरूर शुरुआत हो रही है कि इस तरह का एक एग्रीमेंट पेपर जो है तैयार किया जा रहा है और प्रत्याशियों से उस पर सिग्नेचर लिए जाएंगे जीतने के बाद, कि वो उस काम को सीरियसली ले। सीरियस राजनीति पॉलिटिक्स के लिए ये एक नई पहल जरूर है पूर्णिया के युवाओं के लिए। काफी आप लोगों को शुभकामना है इस काम के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ तो मैं ओम प्रकाश जी, ये बस एक लाइन जोड़ूंगा, ये हमारे साथ जितने अप्रवासी पूर्णियावासी है, इसमें डॉक्टर हैं, CA हैं, वकील हैं, इंजीनियर्स हैं, मेरे हम जैसे कई लोग हैं जो पूर्णिया से बाहर रहते हैं और पूर्णिया को अच्छा दिखाने की कोशिश करें, तो वो चाहते हैं कि आइडियाज दे, ये शहर में बहुत कुछ हम कर सकते हैं कि जो आइडियाज के साथ आगे बढ़ सकते हैं, तो आइडियाज हम आपको पहुंचाएंगे और आप सदन में करें उसको आगे बढ़ाएं। ये युवाओं का नए आइडियाज है। हम चूंकि मार्केट के प्लेटफॉर्म पर है, अरंसा चौक पर है, यहाँ पर हमारी कोई भी सेलेक्टेड नहीं है, यहाँ युवा भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, और मूवमेंट हमारा रहेगा,
चलिए आप कुछ कहना चाहेंगे इस पर, चुनाव है क्या वोट करेंगे इस बार? जी बिल्कुल वोट करूंगा इस बार। किस नजरिए से आप अभी की पॉलिटिक्स जो है बिहार और पूर्णिया की देख रहे हैं? जी युवा बदलाव चाहता है बट नेता का वही पुराना रवैया है। जैसा कि हम लोग पूर्णिया इंटेलेक्चुअल ग्रुप से हैं तो हम लोग पिछले कुछ दिनों से लगातार अलग अलग पार्टी के नेताओं से मिल रहे हैं, मुझे कोई बदलाव नहीं नजर आ रहा, उन्हें वही पुराना तरीका है। हम अपनी बात रखते हैं, वो कहते हैं ये तो हो ही रहा है, ये तो हो ही रहा है, ये तो हो ही रहा है। मैनिफेस्टो में जो नेता या राजनीतिक दल जो वायदे करते हैं, आप चाहते हैं कि उसको आप सीरियसली लें? सीरियसली लेंगे नहीं, वो मुझे पता है वो सीरियसली लेंगे नहीं। वो 5 साल बाद फिर से वही मुद्दा, ताकि उनके पास फिर मुद्दा खत्म हो जाएगा ना, वो अगर सीरियसली ले लेते तो फिर उनके पास मुद्दा रहने के लिए कुछ रहेगा नहीं। आपके इस पहल से आगे? जी बिल्कुल बिल्कुल, हम साइन करवा रहे हैं इसीलिए ताकि उनको हम ट्विटर के अलग अलग सोशल मीडिया के माध्यम से उनको याद दिलाते रहें कि आपने ये साइन करा है, आपको काम करना होगा। हम उनके पीछे पड़े रहे हैं। अभी जैसा कि अभी पिछले कुछ दिनों में पानी जल जमा हो गया था, तो मैं उसकी बात बताऊं, पर्सनल व्यक्तिगत बात बताऊं कि मेरे घर में पानी भर गया था तो मुझे प्रॉब्लम हुई, तो मैंने नगर निगम को फ़ोन करा, नगर निगम के उच्च अधिकारी को फ़ोन किया, उन्होंने कहा कि आप दूसरे अपने से नीचे वाले का नंबर दे दिया, आप उनको फ़ोन कीजिए। उनको फ़ोन करा मैंने तो उन्होंने कहा आप वार्ड पार्षद को फ़ोन कीजिए, मैंने वार्ड पार्षद को फ़ोन करा उन्होंने कहा विधायक को फ़ोन कीजिए, विधायक को फ़ोन करा उन्होंने कहा ऑफिस में फ़ोन कीजिए। तो हम गोल गोल घूमने के लिए, लेंदी प्रोसेस में काम हो नहीं पाए, कुछ भी नहीं हो रहा है, बस हम गोल गोल घूम रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा है। इनका ये भी कहना है कि जो प्रोसेस चल रही है अभी सरकारी कामों की, पूर्णिया में भी जो है सो पानी की भी जो है ड्रेनेज की भी व्यवस्था समस्या काफी पुरानी रही है। आइए और भी कुछ लोगों से हम मत जानते हैं। भैया कुछ कहना चाहेंगे, परसों मतदान है, आज चुनावी जो है शोर समाप्त हो चुका है, किस तरह का बयार चल रहा है जरा सा हेलमेट उतार के? परिवर्तन का बयार चल रहा है, परिवर्तन तो होगी, जैसे परिवर्तन संसार का नियम है ऐसे भी राजनीतिक में भी परिवर्तन प्रजातंत्र पहचान है। परिवर्तन आपको लगता है होना चाहिए बिहार की राजनीति? चाहिए, एकदम होना चाहिए। चलिए शुक्रिया, तो परिवर्तन होना चाहिए। आइए आप और भी लोगों से हम कुछ जानते हैं यहाँ के मत को लेने के लिए, युवा भी हैं, एक भैया जी और भी हैं, बस आ रहे हैं आप लोग के पास। भैया जी, चुनाव जो है परसों पूर्णिया में होने वाला है, शोर मच चुका है चुनावी प्रचार का, किस तरह का बयार देख रहे हैं इस बार बिहार में और विशेषकर पूर्णिया जिला में? एक्चुअली विशेष करके मैं डिफेंस लाइन से हूँ और यहाँ चुनाव कराने आया हूँ, जिसके लिए हमारी ये सबसे पहले फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। से मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ और हम जैसे मैं डिफेंस में है उस तरह से हमको निष्पक्ष चुनाव करा के देना है। आपकी जिम्मेदारी? ये हमारी जिम्मेदारी है, जिसके कारण से हम किसी पार्टी के बारे में ना कुछ बोल सकते हैं, ये हम नहीं कर सकते। स्वस्थ लोकतंत्र में आप प्रहरी का काम कर रहे हैं, उस लोकतंत्र को अच्छे तरीके से निभाने के लिए चुनाव संपन्न कराने? जी 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 जी, बस क्योंकि लोकतंत्र में चुनाव बहुत अहम भाग रखता है और इसके लिए पूरा राजतंत्र इसी पर चलता है। डेमोक्रेटिक पार्टी है क्योंकि सारा मेरे हर वर्ल्ड में ऐसा तरह की व्यवस्था है, लेकिन जनता सर्वोपरि है, जिस तरह जनता जिस अनुसार से वो चूज करके देगी, जो अपना अच्छा भला समझती है उस अनुसार से सरकार क्या अपना है वो करना है। आप भी अच्छी तरह से ड्यूटी करें इसकी शुभकामना है और चुनाव अच्छे से संपन्न कराएं। चलिए, ये डिफेंस से थे और पूर्णिया में चुनाव संपन्न कराने के लिए इनकी ड्यूटी लगी हुई है। आप यहाँ देख रहे हैं कि तरह तरह के व्यंजन के छोटे छोटे स्टॉल भी हैं पूर्णिया, अरंसा चौक है यहाँ पर, और जहाँ तक हम बात करें यहाँ पे कुछ युवा भी हैं, आएंगे। आप वोट करते हैं, क्या कहना चाहेंगे इस पर? हम तो ये कहना चाहेंगे हमें सरकार से मतलब नहीं है, हमें अभी मेरा बीटेक कंप्लीट हुआ है, अब मैं रोजगार के लिए जाना चाहूँगा, हमें रोजगार चाहिए, अब कहाँ से जाएंगे? अब रोजगार के लिए हमें जाना पड़ेगा बाहर, और हम लोग बाहर किसके भरोसे जाएंगे? घर से भी जाने मिलेगा नहीं, तो अब हम बीटेक कर लिए तब हम करेंगे क्या? पिछले बार के ने बहुत सारे वादे किए, कहाँ कुछ पूरा हुआ? वादा पूरा? कोई भी एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। किस तरह का नजरिया? देखिए, मेरा है कि सरकार किसी का भी बने, हाँ मतलब विकास होना चाहिए। जैसे पूर्णिया शहर इतना पुराना शहर है अपना, तो विकास के नाम पे हमको नहीं लगता जितना होना चाहिए उतना है। तेजस्वी के भी भाषण को आपने सुना होगा, कितना भरोसा करते हैं? भरोसा तो देखिए हमको वैसे किसी पे है नहीं है, हाँ क्योंकि हम लोगों ने देखा है अभी इतने बड़े में देख लिया बहुत कुछ। तो जैसे कि यहाँ पे लगता है पहले बिहार सरकार था अपना, ठीक है, बिहार सरकार नीतीश जी के, तो उनमें क्या था, वो दारूबंदी बोले, लेकिन दारूबंदी तो कुछ है नहीं। हाँ, जो चीज़ होना चाहिए तो लीगली हो कि हम लोग को पता हो, दारू तो जो बोले कम से कम, हाँ बस करे कम से कम जो बोलते तरीक, जी अपने बात को कम से कम कर दे, अच्छा रहे, हम लोगों को भी अच्छा हो। ऐसा कुछ मतलब बोलते हैं विकास करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, कुछ होता ना,
दारूबंदी कर दी है, मिलता है लोग पीवा खराब है, खुलेआम मिलेगा, इसमें सरकार को भी पैसा मिलेगा, ऐसे जा रहा है हाँ, वो पैसा कमा रहे हैं। युवा है, शराबबंदी बिहार में कहने को लागू है, लेकिन इनके हिसाब से ये सिर्फ कहने बात की बात है। आप कुछ कहना चाहेंगे? जी, मैं पूर्णिया का ऐसा युवा जो पहली बार मतदान करने जा रहा हूँ। अच्छा, पहली बार मतदान करेंगे, क्या सोच कर रहे हैं राजनीति के बारे में? देखिए, राजनीति के बारे में ये बताना चाहूँगा कि यहाँ का माहौल जो है पूरा बिगड़ चुका है, क्योंकि आप जानते हैं कि जितनी भी बड़ी पार्टियाँ बिहार में वो सभी सत्ता में रह चुके हैं, सभी को सत्ता मिल चुका है उनके हिसाब से, लेकिन किन्हों उन लोगों ने अपने हिसाब से काम नहीं किया है। आप सब देख रहे हैं बिहार का दशा, देख रहे हैं आप पूर्णिया का दशा, देख रहे हैं उन्होंने किसी प्रकार का काम नहीं, इसलिए बिहार एक ऐसा बदलाव चाहता है जिसमें एक शिक्षित पार्टी को इसमें मौका दिया जाए। तेजस्वी युवा नेता हैं बिहार में, उभर रहे हैं, क्या कहना चाहें? युवा नेता हैं सर, ठीक ना, लेकिन युवा नेता के लिए देखिए मैंने क्या बोला, एजुकेशन बोला। देखिए, अगर आप एजुकेटेड रहेंगे तो आप अपने बच्चों को भी, अपने फैमिली को भी एजुकेटेड कर पाएंगे, तो घर का जो बड़ा सदस्य होता है अगर वो एजुकेटेड रहेगा तो अपने बच्चों को भी उसी तरह से आगे बढ़ाएगा। सरकार को एजुकेशन पे प्रमुखता से ध्यान, एजुकेशन पे, जी एजुकेशन पे बहुत, ये लोग बोले कि मैं नौकरियां दे दूंगा, सर जब आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है तो आप नौकरियां कहां से पैदा करेंगे, मजदूर बनाएंगे हमें क्या? आप इंफ्रास्ट्रक्चर भी तो पैदा कर सकते थे। मतलब आपका कुल मिला के विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य ठीक है और रोजगार, ये मुद्दा होना चाहिए। रोजगार मुद्दा, हमें एक ऐसा कैंडिडेट चाहिए और हमें एक ऐसा उम्मीदवार चाहिए बिहार के सीएम पद के लिए जो कि एजुकेटेड हो, जिसमें बहुत अच्छी बात है, एजुकेशन की ये बात कर रहे हैं। भैया जी, आप लोग स्टॉल लगाते हैं यहाँ पर अरंसा चौक पर, तो आप खा रहे हैं, रोल खा रहे हैं। पूर्णिया का चुनाव होने वाला है, दो शब्द क्या कहना चाहेंगे? पूर्णिया में जो भी चुनाव होगा वो सब ठीक ठाक होगा, जो पहले थे वही रहे तो सबसे अच्छा होगा। आप संतुष्ट हैं? संतुष्ट जी, बहुत अच्छे से आप रोल खाइए, शुभकामना है, वोट जरूर कीजिएगा। और अरंसा चौक पर हम लोग कुछ और हैं, यहाँ के बहुत ही पुराने मेडिसिन शॉप के हैं भैया जी हैं, थोड़ी सी राय इनकी भी रखनी बहुत ज़रूरी है। तो भैया नमस्कार, आवाज़ 24 न्यूज़ का चुनावी यात्रा पूरा चुनाव में चला है, आखिरी चरण का जो है प्रचार थम चुका है, 7 तारीख को वोटिंग है पूर्णिया में, किस तरह का चुनावी जो है माहौल आपको नज़र आ रहा है? चुनावी माहौल तो यहाँ का जो है सो जान ही रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का माहौल पूरा बना हुआ है। हाँ, अब सब कोई साथ दे तब तो आगे बढ़े। विकास की प्रगति जो पूर्णिया की आपके हिसाब से ठीक ठाक चली है, आगे भी बढ़नी चाहिए? विकास का प्रगति तो ऐसा कुछ खास नहीं हुआ है, होना चाहिए और भी ज्यादा। रखते हैं फिर से वो आएंगे तो आगे बढ़ाएं। हम तो यही कहेंगे जो भी आवे प्रगति करें विकास का, अब तक तो कुछ हुआ नहीं। पुराने विधायक जी के काम से आप कितने संतुष्ट हैं? कहाँ, यहाँ जो चीज़ का मेन जरूरत है वो चीज़ पूरा नहीं हुआ पूर्णिया में। विधायक जी तो बस अपना सिर्फ विधायक जी में ही लीन है, यदि वो ध्यान देते तो ये स्थिति अरंसा चौक की नहीं रहती। मुख्य चौराहा है पूर्णिया, ये मुख्य चौराहा जो है इतना गंदा रहता है, उसका सफाई ढंग से नहीं हो पाता है, तो इसलिए हम लोग कैसे समझेंगे कि अरंसा चौक ही गंदा है तो पूरा शहर ही गंदा होगा। का मत भी काफी मायने रखता है, कुछ शिकायतें तो हैं लेकिन चाहते हैं, आप भी एक युवा हैं, आप कोई रोजगार करते हैं? पूर्णिया के निवासी हैं? हाँ, पूर्णिया के। क्या कहना चाहेंगे इस चुनाव के बारे में? पूर्णिया जिला के निवासी हैं। चलिए, बहुत खुशी की बात है, चुनाव है, 7 तारीख को मतदान है पूर्णिया में, किस तरह से इस चुनाव को आपने देखा अभी तक और मत पड़ने वाला है, क्या रखना चाहेंगे कुछ विचार? क्या, बस मतदान जो करना है वो तो माइंड सेट हो चुका है, और जो माइंड सेट है उसको मतदान करना है, बाकी और क्या आप जानना चाह रहे हैं? तो आपके सवाल से तरह का बिहार का परिप्रेक्ष्य में हम आपसे जानना चाह रहे हैं, क्या परिवर्तन होने वाला है ऐसा आपको लगता है कि पुरानी सरकारें ही रहेंगी? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि इस चीज़ में बहुत सारा मतलब कि ये है उलझन है, कोई स्पष्ट अभी तक फिगर नहीं आ रहा है कि पूरे बिहार की अगर हम बात करें कि एक होता है ना कि जबरदस्त एक किसी पार्टी या किसी पार्टी के पक्ष में एक जबरदस्त लहर जो होना चाहिए वैसा नहीं है। हम तो ऐसा समझ रहे हैं कि बहुत सारे लोगों का लकी ड्रा भी फंसेगा, क्योंकि ऐसा ना खिचड़ी हो गया है कि कन्फ्यूजन है, और जहाँ तक अगर व्यक्तिगत बात करें, अपने एरिया की बात करें, तो वो एक स्पष्ट है कि जो लहर है देश की उस लहर की तरफ। जैसा कि आप देख रहे हैं कि
जनता का जो है पूर्णिया सदर से चुनावी मिजाज किस तरह का है, परसों जो है मतदान होने वाला है। चलिए आइए, यहाँ पर भी कुछ युवा खड़े हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इस चुनाव में इनका किस तरह का मिजाज है। तो आप बताएं, आपका क्या नाम हुआ? मेरा शुभ नाम मोहम्मद मेहताब आलम। मोहम्मद मेहताब, मेहताब जी चुनावी शोर जो है प्रचार का वो थम चुका है पूर्णिया में, परसों मतदान होने वाला है, आप यहाँ के युवा हैं, किस तरह से आप बातों को समझ रहे हैं इस बार की राजनीति में, किस तरह का मान रहे हैं? ये जो राजनीति है 15 साल बनाम 15 साल है, ठीक है। नीतीश कुमार का शासन देखा जा रहा है जो सुशासन बाबू से नाम से फेमस है, और 15 साल जंगल राज है ना। तो हम लोगों को जनता को तय करना है कि किधर जाना है आपको। आपको फिर पिछला 15 साल जाना है जब रात के शाम में 7 बजे 8 बजे पूर्णिया में चलना मुश्किल था, ये जनता को तय करना है। मतलब कि आप मानते हैं कि जो पुरानी सरकार यहाँ के जो विधायक रहे हैं उन्होंने काम किया है पूर्णिया में? बिल्कुल काम किया, दिख रहा है ये लाइट जो दिख रहा है, ये तो लाइट जिताया जाता सबूत है विकास का। ये सड़क देखिए यहाँ पे, आप इनके काम से संतुष्ट? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जो महागठबंधन वाली एक नई सरकार जो तेजस्वी तेज रफ्तार कहा जा रहा है, तो आपको लगता है कि उनके वादे में उतना दम नहीं है? जो शख्स नॉमी फेल है वो शख्स वादा कर रहा 10 लाख नौकरी देने का, ये तो हास्यास्पद है, इसमें क्या बोले, आप खुद समझदार हैं। तो जो विकास की गति इनके हिसाब से एनडीए सरकार में बनी हुई है और ये संतुष्ट हैं इस बात से कि विकास का गति और भी आगे बढ़ेगा, मतदान का वैल्यू, आप भी युवा हैं पूर्णिया के, किस तरह का मत आप अपना रखते हैं? 7 तारीख को वोटिंग होने वाली है, चुनाव प्रचार समाप्त हो चुका है। मेरा तो वोट जो है विकास के नाम पर जाएगा, और मैं एक अल्पसंख्यक समाज से भी आता हूँ, तो मैं बताता हूँ कि जितना एनडीए की सरकार ने अल्पसंख्यक समाज के लिए काम करा भारत वर्ष के अंदर और खासकर बिहार के अंदर, शायद ही किसी और सरकार ने किया। आपने देखा होगा 4800 करोड़ का पैकेज खुद माइनॉरिटी की तरफ से दिया गया, आपने देखा। इस बेला अल्पसंख्यक समाज के अंदर बहुत सारे काम हुए, मदरसा बोर्ड का काम हुआ। इसी पूर्णिया की मैं बात करता हूँ, तो यहाँ से 350 किलोमीटर दूर है क्या कहते हैं आपका पटना, इसलिए यहाँ स्पेशली कोसी सीमांचल को देखें, मदरसा एजुकेशन बोर्ड की खुद यहाँ पे ब्रांच की स्थापना की गई। इसके अलावा आपने देखा होगा यहाँ इनका जिला का अपना मेडिकल कॉलेज है। मैं बता दूँ, मैं ज़्यादातर संबंध दिल्ली से है, दिल्ली रहना होता है। जब मैं पूर्णिया में आया तो मैंने जब देखा, दो मतलब का 6 महीने से मैं पूर्णिया के अंदर हूँ, मैंने यहाँ की जो सड़कें वगैरह देखी, इसके अलावा जो लाइटिंग की व्यवस्था देखी गई, तो मैं खुद चौंक गया कि ये इतनी मॉडर्न और इतनी अच्छी व्यवस्था तो दिल्ली जैसे इलाकों में होती, वो यहाँ पे। फिर यहाँ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे यहाँ यूनिवर्सिटी है, और मैंने भी यहाँ का मेडिकल कॉलेज देखा जाके, तो काफ़ी सुंदर बिल्डिंग बनी, ऐसा लगता है जैसे दिल्ली में क्या मेडिकल कॉलेज एक तैयार हो रहा हो वैसा मेडिकल कॉलेज दिख रहा है कि पूर्णिया विकसित पूर्णिया हो रहा है बहुत ज़्यादा। जो मैंने सुना था ना कि बिहार में ऐसा होता है, और क्या कहते हैं वो सड़कें नहीं बनी हुई होती, या क्या कहते हैं पानी की व्यवस्था नहीं, लाइट की, ऐसा कुछ नहीं। जब मैं बिहार आया तो मैंने देखा कि यह चकाचौन है और सब चीज़ अच्छा, बड़ा बिंदास लगता है। अभी मैं देखता हूँ, अभी देखो रात में भी आप निकल रहे हैं, तो अभी मैंने देखा कि ऐसा लगता है कि हाँ आप दिल्ली जैसे किसी बड़े शहर में आप घूम फिर रहे हैं, मज़ा आता है और अच्छा भी लगता है यहाँ। संतुष्ट है? हाँ, वर्तमान जी मैं एनडीए की सरकार से संतुष्ट हूँ पूरा। ठीक है, आप कुछ कहना चाहें? जी मेरा नाम मोहम्मद अजय आलम है, मैं भी अल्पसंख्यक समाज से हूँ। मेरे दृष्टिकोण से समाज में जो काम हुआ है वो बहुत अच्छा काम हुआ है। अभी भी देख लीजिए, चाहे सभी का खाता में जनधन का योजना खाता सभी को भेजना हो, या फिर उज्ज्वल योजना हो, या फिर अन्य योजना हो, इससे गरीब लोगों में बहुत सारा मतलब कि काम उन लोगों को फ़ायदा पहुँचा है। इससे एनडीए का जो गठबंधन जो है बिहार में, हम इससे बहुत खुश हैं और बहुत अच्छा मतलब कि काम कर रही है सरकार, और उम्मीद है कि सरकार उन्हीं का बनेगा और हम लोग इससे संतुष्ट हैं। चलिए, ये युवाओं का मत है, जो विकास की बात एनडीए सरकार करती आई है वो कहीं ना कहीं दिल्ली से लेकर पूर्णिया में भी और बिहार में भी इन लोगों का जैसा मानना है कि ये देख रहे हैं और वर्तमान सरकार से जो है संतुष्ट है। तो आप अभी पब्लिक रिव्यू देख रहे हैं, और ये कुछ युवा हैं, कुछ स्थानीय निवासी हैं जो मतदाता हैं। हालांकि आवाज़ 24 न्यूज़ की ये जरूर अपील रहेगी, आप किसी भी पार्टी को वोटिंग करें, किसी को मतदान करें, लेकिन उस दिन जलपान से पहले मतदान जरूर करें अपने घरों से निकल के। किसी भी एक सरकार को बहुमत मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, मतदाता भी जरूर कन्फ्यूज हैं। कन्फ्यूज इसलिए भी हैं कि चूँकि कई पार्टियाँ अलग अलग तरीके से चुनाव लड़ रही हैं, गठबंधन भी इस बार नए नए हुए हैं और कई तरह की। हालांकि जहां तक हम बात करें नेताओं की, तो जो इस चुनाव में मुख्य मुद्दे रहे हैं वो पलायन, रोजगार, किसानों से जुड़ा हुआ मुद्दा, और सिर्फ यही नहीं, राष्ट्रीय मुद्दे भी इस चुनाव का जो है
कई रूप से जो है तरह तरह से दिखाई और सुनाई दिया है इस चुनाव में, चाहे वो श्रीराम का मुद्दा हो या NRC का मुद्दा हो या CAA का मुद्दा हो, चाहे अयोध्या मंदिर का मुद्दा हो या कश्मीर का मुद्दा हो, ऐसे ऐसे मुद्दा भी बिहार के चुनाव में उठाए गए NDA के तरफ से। लेकिन एक तरफ जहां तेजस्वी यादव 10 लाख नौकरी देने की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ NDA सरकार अपने मैनिफेस्टो में 19 लाख नौकरी देने की बात कर रही है। चुनावी वादों की जो है झड़ी पूरी तरह से इस चुनाव में लगा दी गई है, लेकिन मतदाता जो है वो अभी भी इस बात को पूरी तरह से विश्वास नहीं कर पा रहे हैं कि आखिर इन चुनावी वादों के ऊपर कौन सी पार्टी, कौन सा राजनीतिक दल खरा उतरेगा, ये आने वाला समय ही बताएगा। पूर्णिया में 7 तारीख के सुबह मतदान शुरू हो जाएगा। अलग अलग मतदाताओं का अलग अलग विचार है और 10 तारीख के मतगणना के बाद ही ये पता चल जाएगा कि किस पार्टी के चुनावी वादों में कितना दम था और जनता ने किस पर भरोसा किया। फिलहाल चुनावी यात्रा का अंत हम कर रहे हैं पूर्णिया के आरंसा चौक से। चुनावी प्रचार थम चुका है, लेकिन आवाज 24 न्यूज लगातार आपको वोटिंग, मतगणना और मतदान से जुड़ी हुई पल पल की खबरें देता रहेगा। फिलहाल मैं ओम प्रकाश मिश्रा, नमस्कार। चले थे बिहार को ललकार में 25 साल तक जिन्होंने जातिवाद का जहर फैलाया। और बिहार की जो डबल इंजन की सरकार, जो मौजूदा जो सरकार है, वो पूरी तरीके से ICU में है। कोई भी गठबंधन कर लो, कुछ नहीं होने वाला।